जनपद में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाए, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसलिए मेरी जनपद के सभी नागरिकों से अपील है कि अपने घरों पर एक सप्ताह तक तिरंगा फहराएं, क्योंकि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, जिसको लेकर पूरे जनपद में विभिन्न तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे जनपद का लक्ष्य 6,40,000 है। प्रयास है कि जनपद के हर घर पर तिरंगा लगाया जाए, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगे का निर्माण कर रही हैं तथा 2,00,000 तिरंगा शासन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो माह के अंत तक प्राप्त हो जाएगा, जिसको हर घर पर वितरण करके अभियान को सफल बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए हर घर तिरंगा अभियान जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया, भारत सरकार ने इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में हर घर तिरंगा का एक सप्ताह मनाया जाना है, जिसके अंतर्गत हर घर पर जो हमारा तिरंगा है उसको लगाया जाना है, क्योंकि इस बार जैसा आप सभी अवगत हैं कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो 6.4 लाख, मतलब 6,40,000 का लक्ष्य है, बट हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे घर हैं, जितने भी गोरखपुर की आबादी है, उसके अनुरूप हर घर पर तिरंगा लगाया जाए। इसके लिए जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं वो तिरंगे का निर्माण कर रहे हैं तथा करीब 2,00,000 तिरंगे हमें शासन द्वारा उपलब्ध भी कराए जाएंगे, जो इस माह के अंत तक हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा के लोगों को प्रेरित करके इस अभियान को सफल बनाया जाए। तिरंगे के कुछ रेट भी निर्धारित किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे तो संपर्क करेगा? तिरंगा का जो रेट है वो जो हमारा प्लास्टिक का तिरंगा है वो उसका रेट 15 से 20 रुपए के बीच में है, और जो हमारा सूती कपड़ा या खादी कपड़े का जो है उसका रेट जो निर्धारित किया गया शासन द्वारा 25/30, उसका रेट है 50 से 100 रुपए के बीच में।